अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक ऋषि हुए हैं सुश्रुतु, जिनकी इंग्लैंड मेडिकल इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुश्रुतु, जो ऋषि सुश्रुतु थे, वो प्रथम शल्य चिकित्सक थे। उन ऋषि के द्वारा शल्य चिकित्सा, जिसको आप आपकी भाषा में सर्जरी कहा जाता है, ऑपरेशन कहा जाता है, ये उनके द्वारा किया गया था। हमारे एक ऋषि थे भरद्वाज जी, जिन्होंने विमानन शास्त्र लिखा और विमान की पद्धति, विमान उड़ाना, विमान बनाना, उन सारी चर्चाओं पर आप अगर चाहें तो उसमें जा सकते हैं। एक हमारे ऋषि हुए चरक, जिन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांत हमें दिए और आज दुनिया भर के तमाम देशों में आयुर्वेद से हजारों लाखों करोड़ों लोगों का इलाज हो रहा है। आपने कहा आज की तारीख में टीवी, फोन और एसी, तो जिस काल और जिस स्थिति में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। हमारे यहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी हमारे यहाँ डेवलप हो जाएंगी। जहाँ जिस चीज़ की उपयोगिता ज़्यादा होगी या जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हो जाएगी डेवलप, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप प्राचीन भारत और उनके ऋषियों के योगदान में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें, ये जो टीवी है, टेलीफोन है, एसी है, इनका जो गणित है ना भैया, उस गणित को शून्य भारत ने दिया है। जो आप जोड़ लगाते हैं ना, जिसमें जिसको आप दशमलव लगाते हैं, डेसिमल, ये भारत ने दिया। अगर ये दशमलव नहीं होता ना तो आज आप कोई गणना नहीं कर पा रहे होते। अगर आज जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता, तो आप कोई गणना नहीं कर पा रहे होते। ये भारत ने दिया, भारत के वैज्ञानिकों ने दिया। जुग सहस्त्र जोजन पर भानो लीनो ताही मधुर फुर पाओ। अब इस बात को 550 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया। जुग सहस्त्र और योजन, इन तीनों को इंटू करोगे तो चंद्रमा की जो दूरी है वही आज के वैज्ञानिक बोलते हैं कि सेम दूरी है। ये दिया हमारे ऋषि और मुनियों ने। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें चारपाई दी थी, आज के लोगों ने हमें बैठ दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने चारपाई दी थी जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती थी, और बेड शरीर को बीमार करता है। अगर जानकारी ना हो तो थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। चारपाई पर लेटने वाले व्यक्ति को शरीर में बहुत लाभ होता है। चारपाई विदेशों में इंडियन मैजिक कॉट के नाम से बेची जाती है। ऑनलाइन गूगल चाचा पे बाबा पे जाके देख लेना, जो समझो रिश्ता बना लो तो पता पड़ेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने हमें दिया कि नीम से दातून करो, बबूल से दातून करो, ये हमारे वैज्ञानिकों ने हमें दिया, हमारे ऋषियों ने दिया हमें। जब आप नीम से दातून करते हैं तो नीम से दातून करते करते आपके शरीर में कड़वाहट जाती है, छठरस की आवश्यकता है, छह रस शरीर में जाने चाहिए। तो जब कड़वा पदार्थ शरीर में जाएगा तो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। विदेशों में जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते थे, उन्होंने एक नई चीज का इजाद किया जिसको कहते हैं टूथब्रश। जिनके ब्रशल्स हार्ड होते हैं और जब वो मसूड़ों पर चलते हैं तो उनसे मसूड़ों का नुकसान होता है। चाहते तो जब हमारे ऋषि मुनि अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा कर रहे थे, जहाज बना रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े कार्य कर रहे थे, तो वो बेड सिस्टम भी बना सकते थे। पर उन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि आदमी को लेटने के लिए जगह तो चाहिए, लेकिन ऐसी फ्लैट जगह ना दी जाए जिससे उसका शरीर बेकार हो जाए। वो बहुत दूरी का सोच रहे थे और उन्होंने उस दूरी को ही हमेशा साधन बनाया। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज इसने नहीं की थी कि उससे बॉम्ब बने, उसने तो इसलिए की थी कि टीवी का इलाज हो सके। लेकिन लोगों ने किस लिए उसका उपयोग किया,
तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हर हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखा कि खोज हमेशा वो हो जिससे प्रकृति बैलेंस रहे। आपके एसी से कौन सी प्रकृति बैलेंस हो रही है क्या आप बता सकते हैं? कैलकुलेशन की बात करें तो आज जो आपके पास कैलकुलेशन है उससे बड़ी कैलकुलेशन तब थी जब कंप्यूटर नहीं थे, और उसी कैलकुलेशन से हमने अंतरिक्षों का ज्ञान रखा, और पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास आज भी बिना कंप्यूटर के वो पंचांग है 70 रुपये का जो पंडित जी बता देते हैं उस पंचांग को पढ़ के कि कौन से महीने में कहाँ सूर्य ग्रहण कितने समय पे कितने बजे कितने मिनट पे पड़ेगा, उसके लिए नासा के यहाँ अरबों खरबों रुपए के सैटेलाइट लगे हुए हैं वो बताता है। अंतर ये है, ये दिया हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषियों ने हमें हमें सिद्धांत दिए जीने जीवन को जीने के। उन्होंने बताया कि भोजन कैसे करना चाहिए, आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उन्होंने बताया कि व्यायाम क्या है, उन्होंने बताया कि योग योग क्या है, उन्होंने बताया कि प्राणायाम क्या है, ये दिया हमारे ऋषियों ने जिसे आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है।